हर विषयवार कैपेसिटी स्टूडेंट्स में क्या होनी चाहिए ये लिखा ही नहीं था कहीं, और इन एब्सेंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड विथ नो एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकली नो एग्जामिनेशन, देयर वाज एन एग्जामिनेशन, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट वी विल गो फॉर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लेकिन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कितना कैसे हुआ ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। अनुभव में यह आया कि जिम्मेवारी सबकी खत्म हो गई, क्योंकि चौथी के क्लास टीचर को अगर लर्निंग आउटकम्स ही नहीं है तो बच्चों में यह कैपेसिटी आनी चाहिए, यह जिम्मेवारी नहीं। और इसलिए सर्वे आफ्टर सर्वे वी फाउंड कि छठी का बच्चे को तीसरी का पाठ पढ़ने नहीं आता है और सातवीं के छात्र को चौथी का गणित नहीं आता है, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स नहीं थे, किसी की जिम्मेवारी नहीं थी, पेरेंट्स को पता नहीं, अभिभावकों को पता नहीं कि मेरे बेटे को क्या आना चाहिए, छात्रों को पता नहीं कि मुझे इस साल में निश्चित क्या आना चाहिए, अध्यापकों को पता नहीं कि मुझे क्या निश्चित पढ़ाना है, मेरी जिम्मेवारी क्या है। तो एक तरह से 11 साल सब बच्चे स्कूल में लेकिन कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। और इसलिए हम खुशी में हो गए कि 98% एनरोलमेंट हुआ, और सब एक बार एनरोलमेंट हुआ तो घर का कारण नहीं होगा तो वो सीधा 9वीं तक जा रहा, लेकिन उसके उसको आ क्या रहा है ये प्रॉब्लम। और इसलिए मैं एमसीआरसी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक साल डेढ़ साल मेहनत करके इन्होंने अब ये तय किया कि हर विषय में उसको हिंदी भाषा अगर सीखनी है तो हिंदी का पहली में क्या पाठ होगा, और लर्निंग आउटकम क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी सीखने की, और सीखने का संप्राप्त जरा सिंपल शब्द क्यों नहीं निकालते अब संप्राप्ति के बजाय प्राप्ति भी क्यों, और मैं अच्छा शब्द बताऊंगा जो जनता बोलती है ना, आपको सिखाने का तरीका और क्या सीखा, बस यही सिंपल है, दैट इज लर्निंग आउटकम। मैं अभी जा रहा था तो गाड़ी से मैंने देखा एक जगह ये था सबवे, नीचे से जाने का भूमिगत पैदल पार पथ भाषा करोगे तो भाषा से नफरत होगी, लोगों को लगना चाहिए कि मेरी थोड़ा बोलने में भी सुधार हो लेकिन बोलने जैसी भाषा हो। लेकिन मुझे कहना यह है कि लर्निंग, मैं थोड़ा समय इसलिए ज्यादा ले रहा हूं कि यह बहुत ही ऐतिहासिक काम एनसीईआरटी ने किया है और मोदी सरकार की यह प्राथमिकता थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी आए उन्होंने शिक्षा का जब भी परीक्षण किया और हमारे डिपार्टमेंट का जब भी प्रेजेंटेशन लिया तो उनका पहला का प्रश्न यही होता था कि आपके लर्निंग आउटकम्स तैयार हुए कि नहीं, कि भाई क्या सीखेगा बच्चा, ये तैयार हुआ कि नहीं ये बताओ, क्योंकि 11 साल हुए, कानून बना, सुविधा मिली, लेकिन लर्निंग आउटकम्स तैयार नहीं हुए तो किसी की जिम्मेवारी नहीं बनती। और इसलिए यह हर कक्षा में हर विषय में क्या सीखना चाहिए इसका बेंचमार्किंग हो गया, इसकी निश्चितता आ गई, तो अब जिम्मेवारी बनती है टीचर की भी, छात्रों को भी, अभिभावकों को भी। एक इसी के साथ मुद्दा मैं कहना चाहता हूं कि हम सारे प्रोसेस में अभिभावकों को केवल टीचर स्कूल मैनेजमेंट कमिटी तक सीमित ना रखें,
आखिर पेरेंट्स को कौन पढ़ाएगा? छात्रों की शिक्षा के साथ पेरेंट्स का भी प्रशिक्षण जरूरी है, और नहीं तो क्या होता है, मेरी पोती है तो 2 साल की थी जब आई, तो उसके माता पिता, मेरे बेटा और बहू कैसे उनको हर पल बता रही है, बात कर रहे हैं। ये देखा तो मेरे ड्राइवर है, उसने कहा कि सर आज मैं समझ गया कि बच्चे होशियार कैसे होते हैं। मेरे स्टाफ में सबसे होशियार वही है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, बट उसको बचपन में वो सुविधा नहीं मिली, लेकिन उसको ये समझ में आया कि ये प्रक्रिया होती है जिससे बच्चे खिलते हैं। ये समझना भी एक बड़ी बात होती है। तो पेरेंट्स एजुकेशन ऑल्सो इज वेरी मच इसेंशियल। मैंने तो जो एडॉप्ट गांव किया उसमें एक सिंपल बात की, पेरेंट्स को बताया, आप बहुत सारे लोग थे कि फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही थी, पेरेंट्स पढ़े नहीं थे, तो मैंने कहा 3 ही सवाल पूछो हर रोज बच्चों को, 3 चीजें आपको करनी है। पहला पूछना है कि सभी टीचर्स आए थे क्या नहीं, ये रोज पूछना है। दूसरा पूछना है कि क्या पढ़ाया। अब वो क्या पढ़ाया वो जो बताएगा वो आपको समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन रोज सवाल ये पूछना है और बच्चों से जवाब लेना है कि क्या पढ़ाया। और तीसरा, 1 घंटा कम से कम आपके सामने बिठाकर उसको कहना है कि अध्ययन करो। 3 सिंपल थिंग्स, बट दिस पेरेंट पार्टिसिपेशन विदाउट दैट, क्योंकि स्कूल में तो 6-7-8 घंटे ही है, स्कूल एक बहुत इंटेंसिव कार्यक्रम है, और लेकिन घर में भी तो 16 घंटे है, समाज में है, तो उनको प्रशिक्षित करना यह भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए लर्निंग आउटकम इसे उपलब्धि है बहुत जबरदस्त। अब हम इन लर्निंग आउटकम्स को जो शिक्षा के क्या उससे सीखना चाहिए, ये जो मार्क है, तो लर्निंग आउटकम्स को हम सभी स्कूलों के दीवारों पर भी चिपकाएंगे। एससीईआरटी को भी ये देखना है, एवरी स्कूल को पोस्टर्स जो करेंगे, 1, 2, 3, 4 जो भी स्कूल है वहाँ, उतने सारे पोस्टर्स बाहर लगने चाहिए, ताकि समझ लगेगा सब लोग पढ़ेंगे कि इतना आना चाहिए। दूसरा, लर्निंग आउटकम्स के किताबें, हैंडबुक जो तैयार हुआ है, ये इसेंशियली टीचर का हैंडबुक है ना, ये वो दूसरा है, एक टीचर का हैंडबुक भी तैयार किया है, वो सभी टीचर तक पहुंचाना चाहिए अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में। तो वो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये लर्निंग आउटकम्स को अचीव कैसे करना है, ये उसको पहले प्रशिक्षण देना चाहिए। और इसलिए जून से, अनेक जगह जून से स्कूल शुरू होते हैं, कहीं कहीं अप्रैल में शुरू होते हैं, फिर 2 महीने छुट्टी लेते हैं, लेकिन जून जुलाई से मुख्यतः शैक्षिक सत्र शुरू होता है। तब तक ये सारी तैयारी होनी चाहिए, आपका स्पीड करना पड़ेगा कि सभी एससीईआरटी को अभी किताबें और सॉफ्ट कॉपी दे दो, सॉफ्ट कॉपी के आधार पर अपने अपने जगह प्रिंटिंग कराओ और सभी स्कूलों में और टीचर्स तक पहुंचाओ, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी। दूसरा काम यह है कि वो पोस्टर चिपकाने हैं। और तीसरा, मैं चाहता हूं कि अभिभावकों को भी, चौथी का अगर छात्र है तो उसके पेरेंट्स को एक सिंपल पैम्फलेट दो कि चौथी के बच्चे छात्र को इतना आना चाहिए, हर विषय में 1-1 पेज 4 पेज का एक सिंपल पैम्फलेट वो देना चाहिए। ये जब हम देंगे तो ये प्रक्रिया पूरी होगी और सचमुच में हम यह हासिल कर पाएंगे कि जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ गए। तो ये एक बड़ा काम है। लेकिन आज जो मैंने सारा, अच्छा इसमें मैंने आपका कार्यक्रम देखा, इतना बड़ा लर्निंग आउटकम का एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है, उस पर तो चर्चा के लिए आपने समय ही नहीं रखा है। नहीं है, सेकंड डे पे है, हाँ जरा बढ़ाओ भी, क्योंकि ये सबसे करने वाला पहला काम ये है, लेकिन बाकी भी विषय मैंने देखे अच्छे हैं। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ
कि जो मन से पढ़ाता है उस शिक्षक और जो मन से पढ़ता है वो छात्र, इससे ज्यादा नवोन्मेषी कोई नहीं हो सकता, ये निश्चित है। छात्रों में क्या क्रिएटिविटी होती है, अभी मैं प्रदर्शनी देख रहा था, छात्रों में चौथी के पांचवी के पेंटिंग निकाल कर या कहानी खुद की बनाई, क्योंकि ये मैं रोज घर में अनुभव करता हूं कि वो चित्र निकालती है, तो चित्र निकालती है उसका अर्थ भी बताती है, तो हमें जो नहीं समझा है वो देख रही है, जो न देखे रवि वो देखे कवि। वैसे ये है, हर बच्चे में जबरदस्त प्रतिभा भरी है, वो जात मजहब के आधार पर नहीं होता, आय पर आधारित नहीं होता, छात्रों की प्रतिभा ही होती है, उसको अवसर कितना देते हैं, क्या टीचर अवसर देता है या इंक्विजिटिवनेस क्यूरियोसिटी उत्सुकता को मारता है, यह सबसे देखने वाली बात। उसकी उत्सुकता को कैसे प्रमोट करें, जगाए, उसके क्वेश्चन पूछने से तंग ना आकर उसके क्वेश्चन पूछने को प्रमोट करते हुए, और एकाध सवाल का जवाब मालूम नहीं है तो टीचर को अपमान नहीं लगना चाहिए, उसने कहना चाहिए कि मैं कल बताऊंगा इसका, और बताना चाहिए। तो ये जितना बोलने को लगाएंगे तब जाके स्कूल में होगा। अभी मैंने बच्चों के किए हुए प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत सारे प्रदर्शनी में देखे, मुझे हमेशा एक प्रोजेक्ट वर्क में लगता है कि सचमुच में छात्रों ने किया है या उनके पेरेंट्स ने किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क की कल्पना क्या है, टीचर छात्रों के साथ बैठेगा, प्रोजेक्ट वर्क देगा, वो उसके सामने करेंगे और उसमें वो गाइड करेंगे कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, चलो ऐसा ही करता है, ये नहीं कर रहे, सब घर में से ये करके लाओ वो करके लाओ, और सबके माता पिता जी बहुत प्रोजेक्ट वर्क में परफेक्ट हो गए। तो सीख कौन रहा है, तो ये हालत है। और खास अच्छा, जितना ज्यादा फीस है उस स्कूल से तो प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा है, पेरेंट्स ज्यादा ही ट्रेन हो रहे हैं, छात्रों का क्या है? ये सवाल है। लेकिन आपके इस सम्मेलन ने टीचिंग लर्निंग डिजिट, ये बहुत सारे विषयों पर आप कर रहे हैं, डिजिटल लर्निंग पर भी कर रहे हो, दो विषयों का और ध्यान, क्योंकि हम भी जैसे सेक्रेटरी जी ने कहा हम 5 रीजनल वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उसमें शिक्षाविद भी आएंगे, शिक्षक भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, स्वयंसेवी संस्था भी आएंगी जो काम कर रही है फील्ड में, और जो लोग अच्छा काम करते हैं इसके बारे में सोचते हैं, जिनकी विचार है वो भी आएंगे, सब मिलके दो दो दिन का ये 5 शिविर है हमारे बेंगलुरु, रायपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी और पुणे, इन जगहों पर ये शिविर है, और ये शिविरों में सब लोग आएंगे, तो एक बड़ा चर्निंग हम करना चाहते हैं, शिक्षा में बदलाव करना है तो तब के पहले बहुत सारा, तो आपके भी रीजनल वर्कशॉप हुए इस पर इनोवेशन के आधार पर, और ये भी 5 होंगे, लेकिन दो विषयों पर और भी थोड़ा चर्चा करनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन लगभग एजुकेशन से गायब है, आप भूले नहीं होंगे जब प्रधानमंत्री विज्ञान भवन ने एक दिन शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल अचानक पूछा कि रोज 5 बार पसीना किसको आता है, एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। मैं तो परसों एक कॉलेज में गया, वहां बताया कि हमने अब क्लासरूम भी एसी कर दिए है। मैंने कहा इसका परिणाम क्या हुआ, बोले उपस्थिति बढ़ी है। मैंने कहा मुझे लगा टीचर के पढ़ाने की कौशलता से छात्र आते हैं, अब एसी के कारण आते हैं, ये नया कारण हो गया। तो किसी को पसीना ही नहीं आ रहा है, तो फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी होगा, स्पोर्ट्स होगा, योगा होगा, एक्सरसाइजेस होंगे, जिम होगी,
कुछ भी, लेकिन कुछ तो पसीना आएगा, नहीं तो शिक्षा अधूरी है। वैल्यू एजुकेशन, देखो शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि वो स्किल प्राप्त करे और विषय का ज्ञान प्राप्त करे। विषय का ज्ञान एक हिस्सा है शिक्षा, कुशल कौशल दूसरा हिस्सा है, लेकिन आखिर शिक्षा का सही मतलब है कि एक अच्छे इंसान को तैयार हो जाए, एक अच्छा इंसान तैयार हो जाए। दैट इज द रियल आउटकम ऑफ द होल एजुकेशन प्रोसेस। एंड देयरफॉर ये कैसे साध्य होगा? लाइफ स्किल्स, जो जीवन की जरूरतें हैं, क्या वो हमारे पढ़ाई से आती है? मैं जिला परिषद के शाला में सीखा हूँ देहात में, तो हमारे स्कूल का नाम ही था जीवन शिक्षण मंदिर। यानी इससे सार्थक नाम मैंने देखा ही नहीं कभी। जीवन का शिक्षण देने वाला मंदिर, ज्ञान मंदिर वो है। और जिला परिषद के स्कूल बेहतर होते थे, तो ये आपको चैलेंज है एससीईआरटी को कि उनको सार्थक बनाना है। और इसलिए ये सब सम्मेलनों से मुझे पूरा विश्वास है कि एक चर्निंग होके, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होके, एक अच्छे विषय सामने आएंगे और उस विषयों के आधार पर हम हमारे शिक्षा को सार्थक बनाएंगे। और तीसरी का या चौथी का छात्र दूसरी का नहीं पढ़ पाएगा ये नहीं होगा, वो पांचवी का भी पढ़ पाएगा, यहां तक ले जाएंगे, यह हम कहना चाहते हैं। स्टूडेंट्स आर कैपेबल टू डू मेनी थिंग्स। कल ही न्यूज आई, 11 साल के बच्चे ने बोर्ड का परीक्षा पास किया। बोर्ड का ही था ना, कुछ दसवीं का कल कुछ तो किया। लेकिन ये कर सकते हैं, छात्रों की क्षमता अद्भुत होती है। हमें उनमें विश्वास जगाकर उनको सार्थक शिक्षा देनी है, ये हमारा चैलेंज है। हमारी पूरा मैकेनिज्म हम फेल कर गए और उसमें कभी कभी तो धूल ऐसी जमा होती है। मैंने एक गांव एडॉप्ट किया था, पालदेव, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर है, बुंदेलखंड में है। मैं गया, मैं हर बार शिक्षा मंत्री नहीं था तब भी मैं स्कूलों में जाता, तो स्कूलों में मैंने देखा तो क्योंकि वही बैरोमीटर है, मैंने शिक्षकों को आलोक बिठाया और कहा कि दसवीं का रिजल्ट क्या है। बोले 11%। दसवीं का रिजल्ट 11%, बारहवीं का रिजल्ट 28%। मैंने कहा 300 छात्र है बारहवीं को, कहाँ से आते हैं? ये तो अपने एक छोटे गांव के नहीं है। नहीं, बोले 5-6 गांव के छात्र आते हैं। कैसे आते? साइकिल से आते। मैंने कहा इसका मतलब उनमें अर्ज है, पढ़ने की ललक है, लेकिन आप नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं मंत्री हूँ, मैं आपको सजा नहीं करूँगा, आपका ट्रांसफर नहीं करूँगा, आपका सीआर खराब नहीं करूँगा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन आपके साथ काम करूँगा, आपको भी काम करना पड़ेगा। और फिर हमने शुरू किया काम। पहले मैंने डाइट को कहा कि भाई इनका एक 2 सप्ताह का ट्रेनिंग कराओ। वैसे भी 2 सप्ताह स्कूल बंद रहे तो कोई बिगड़ता नहीं है, क्योंकि वैसे भी 11% रिजल्ट में चलने का भी क्या मतलब है। तो फिर 2 सप्ताह डाइट में अच्छा कोर्स किया सतना जिले में, और आए उत्साह से आए। फिर टीचर को भी समझा कि अब ये तो छोड़ने वाला है नहीं, ये तो मैं हर महीने जा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, तो वो आने लगे, अच्छा पढ़ाने लगे, रेमिडिएशन क्लासेस शुरू किए। और सब करने से फिर ये हुआ कि 7 महीने के अंदर 11% became 51% and 28% became 82%. This is the reason. Or this was not 1 year wonder. Second year, 51% became 77% and 82% became 85%. So ये हो सकता है। फिर मैंने जब 2 साल के बाद दूसरे गांव adopt करना था तो मैंने निकला, तो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, सभी गांव वाले इकट्ठा आए। तो मैंने हर एक क्षेत्र में हमने जो काम किया वो जो जिन्होंने किया उनको ही बताने के लिए कार्यक्रम रखा। तो टीचर्स ने भी बताया कि सर आप आए, एक अच्छा हुआ, नहीं तो क्या हो रहा था, कोई जिम्मेवारी नहीं थी, कोई अच्छा रिकॉर्ड पर बोले, कैमरा पर बोले लोग कि सर जिम्मेवारी नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था, फिर छात्र भी देरी से आते थे, एक तरह से मिड डे मील स्कूल हो गया, आना खाना
और इसलिए हम भी वैसे ही आते थे और वैसे ही जाते थे, लेकिन अब हम आते हैं और अच्छा लगने लगा है। तो ये भी हमारा एक काम है, ये करना पड़ेगा। एक मैंने अभी प्रदर्शनी देखी, ये प्रदर्शनी भी एक्चुअली बाहर जरा आपकी अच्छी जगह है, एक जगह अच्छा दिखा सकते थे और लोगों को भी बुला, यहाँ के स्कूल आके देखेंगे ना, एक दूसरे से लर्न तभी होता है, एक दूसरे की इंक्वायरी होती है, नहीं तो हम ही आप जो लोग आए हैं उसमें ही देखेंगे। हाँ, तो सभी स्कूलों को भी बुलाओ, उनको भी दिखाओ, स्कूल चालकों को भी दिखाओ, केवल फीस लेना स्कूल चालकों का काम नहीं है, ये भी देखना काम है। और इसके बाद फिर ये जो है कि जैसे मैंने कहा पेरेंट्स का करे, एक दूसरे से सीखने की जरूरत होती है और हर राज्य ने कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाया है, लेकिन जैसे सेक्रेटरी जी ने कहा कि सार्वत्रिक करना भी जरूरी है। एक आइलैंड टर्म हम तैयार करते हैं, एक अच्छा प्रयोग हो गया, एक आइलैंड एक्सलेंस तैयार हो गया, उसी को हम डम 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 करके जाते हैं सब जगह कि ये देखो ये देखो ये देखो आपने करके दिखा। अरे भाई ये चार स्कूल में हुआ, 40,000 स्कूल है आपके प्रदेश में, वहां कैसे होगा? और इसलिए सब जगह एक अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का भाव पैदा करना। और उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो परिसर में है, क्लस्टर में है, उनकी भी तो जिम्मेवारी है स्कूलों के प्रति, तो उनका और स्कूलों का भी पूल बंधे। अच्छी IIT है, अच्छी ITI है, अच्छा सामने नीट है या दूसरा कोई संस्था है, अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वो क्यों नहीं 10-10 स्कूल लेंगे, एक एक कॉलेज, वहाँ के छात्रों के साथ संवाद करें, इंस्पेक्शन ना करें केवल, लेकिन अच्छे अधिकारी भी जाए, शिक्षकों से मिले, एक अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक तैयार होती है। ये अगर हम करेंगे, जैसे एक्शन प्लान की बात करी स्वरूप जी ने, वैसे एक्शन प्लान तैयार करके आने का। और इसलिए ये जो आज का आपका चर्चा सत्र है वो तो सफल रहेगा, इसका सबका जो आउटकम आएगा वो सब एक एक शिविर, क्योंकि हम 5 शिविर आपने पहले किए, ये छठा है, हम अभी 5 और कर रहे हैं और एक फाइनल नेशनल बड़ा जम्बोरी जैसा होगा, देश भर के सारे प्रयोग एक जगह लोगों को 2-3 दिन देखने को मिलेंगे, ऐसा करेंगे। तो वो जब हम करेंगे तब तक हमारा भी सारा एक्सपीरियंस एक दूसरे के अच्छे तैयार हो और उसमें रिप्लीकेबल मॉडल्स क्या है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रिप्लीकेबल सब जगह लागू करने वाले जो सूत्र होंगे वो सब तक पहुंचाएंगे, ये निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रहनी चाहिए, इसी से शिक्षा में सुधार होगा। आयोगी जी, वन फिगर्स विच यू मेंशन ऑफ NSS, you are not wrong, but actually sometimes figures of census which are 2011, in 6 years many things have changed and now the dropout is not 9, dropout no, you talked about out of school children is not 90 million but maximum 10 million. That's a challenge for us. So this time also we'll take out a special campaign to bring everybody into the school. And there are also, so there has to be a correct picture also of the country to be displayed before the world. But that after all depends upon the product, and the product is the students. And how much are the students capable? Nahi to wo ek rajya ke chhatr pehle aaye, unko kaha kis vishay mein aap pehle aayi, तो विषय का नाम ही नहीं बता सके, तो समझ गया ना। तो इस तरह से अगर होता है तो ये चिंता का विषय है। और इसलिए शिक्षा की क्वालिटी सुधारना, गुणवत्ता में सुधार, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। और देश भर में गुणोत्सव 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 करेंगे और आप सब उसके स्टेक होल्डर्स हो। बहुत बहुत धन्यवाद।